हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज सीएम कुमार और आज मैं आपके ईसी के लेक्चर नंबर 5 को लेके आया हूं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बेसिक टॉपिक्स देखे थे जो कि हमारे मैग्नेटिक सर्किट पे डिपेंड थे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे डिपेंड थे। देन इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग आज देखने वाले वो टॉपिक्स हमारे हैं स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक्स पे जाएंगे। देन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअल में कैसे क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो वैसे ही जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को देखा था उसमें एक टर्म यूज हुआ था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती थी जिसकी हेल्प से हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा था। तो वही ईएमएफ, तो उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आज इसकी लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बेसिकली टाइप्स क्या है। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हमारे पास है तो वो टॉपिक्स स्टैटिकली डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। सो आपका फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको इस टॉपिक को डायग्राम से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में जानते हैं, एक्चुअल में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। देन उसके बाद हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे और उसके टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक्स आइडिया देना चाहता हूं। सो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड, जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या कि ऐसा ईएमएफ मींस ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि डायनेमिकली इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस इन द सेंस क्या कि जनरेट होना। तो ऐसा ईएमएफ जो कि हमारा डायनेमिकली जनरेट हो रहा है उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। डायनेमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कि हमारे करंट को हमारे सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने में हेल्प करता था। देन यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास दो मैग्नेट, बेसिकली यहां पे हमारे पास एक मैग्नेट है। देन एक मैग्नेट में हमारे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल देन साउथ पोल, और यहां पे जो भी क्वांटिटी फ्लो कर रही वो क्या होती थी, इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल में फ्लो कर रही थी वो क्वांटिटी हमारी फ्लक्स होती थी। सो बेसिकली इन दोनों फ्लक्स के बीच हम एक कंडक्टर को प्लेस करते थे। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल था जिससे कि हमारा जो भी फ्लक्स है वो आसानी से फ्लो करता था। तो जो भी, जब हम कंडक्टर को, फ्लक्स को कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते थे, देन वहां पे क्या एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता था, मींस कुछ मोटिव फोर्स हमारे जनरेट होते थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास दो टर्न पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में प्लेस है, जिसकी हेल्प, जिसके थ्रू हमारा फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेगा। ओके, तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है कि जब भी हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल मींस जो हमारे पोल्स के साइज है, जो हमारे मैग्नेट के दोनों एंड के साइज है उसमें कुछ चेंज, और हमारे कंडक्टर के साइज में कुछ चेंज होता है, तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसा ईएमएफ है जो कि हमारे बार मैग्नेट के पोल्स और हमारे कंडक्टर के साइज पे डिपेंड होता है। मींस जब हमारे कंडक्टर के साइज में कुछ चेंजेस होंगे, जब हमारे बार मैग्नेट के साइज में कुछ चेंजेस होंगे, तो उसकी रीजन, मतलब उसके रीजन के कारण जो ईएमएफ हमारा जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। तो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ को बेसिकली हम ई से डिनोट करते हैं, जहां पे इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। लाइक सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे एक मैग्नेटिक सर्किट वर्क करती है, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को समझाया था कि कैसे हम जब दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसके बीच में जो
हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो कितने एरिया में फ्लो कर रहा है, उसे बेसिकली हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते थे। तो जब भी हमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्रिएट करना है, कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। देन हमें उस कंडक्टर का साइज डिफाइन करना होगा कि उस कंडक्टर के साइज में कितना का चेंज हुआ है, मतलब कुछ भी चेंज जो हमारा ये कंडक्टर जो दोनों पोल के बीच प्रेजेंट है उसमें एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है। देन हम उसका वेलोसिटी चेक करते थे कि उसका एक्चुअल में वेलोसिटी में क्या चेंज है। देन हमारे पास साइन थीटा है जिसकी हेल्प से हम एंगल बेसिकली मालूम करते हैं कि कितने एंगल मींस कि कितने का मूवमेंट हुआ है इन दोनों पोल्स के बीच में और कितना चेंज हुआ है एंगल में। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक एरो है जिसकी हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बार मैग्नेट यहां पे था वो बार मैग्नेट हमारा कुछ चेंज होके, उसके साइज में कुछ चेंज होके, उसके पोजीशन में चेंज होके वो हमारा इस प्लेस पे आ गया। मींस का यहां पे क्या हुआ कि इस जो मैग्नेट हमारे पास है उसका मूवमेंट हो रहा है। देन क्या हुआ, जो यहां कंडक्टर होता था कंडक्टर के साइज में कुछ डिफरेंस हो जाएगा, मींस कंडक्टर का साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा नहीं तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, और इसके कारण जो हमारा ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे ईएमएफ को जनरेट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी मींस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन करके, एक साथ कैलकुलेट करके ईएमएफ को जनरेट करते हैं। ओके, देन हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से डायरेक्टली रिलेटेड है, मींस लाइक डीसी जनरेटर और इंडक्शन मोटर। ये कुछ ऐसे रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी करेंटली मार्केट में यूज हो रहे हैं जहां पे हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क करता है। ओके, देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। मींस यहां पे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोजीशन मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि यहां पे क्या हो रहा है, पोजीशन में मूवमेंट हो रहा है। मींस एक पोजीशन से हमारा मैग्नेट दूसरे पोजीशन की ओर मूव कर रहा है जिसे हम पोजीशन मूवमेंट बोलते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन को इस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में रखना होगा और उसका कुछ एप्लीकेशंस रखना होगा, क्योंकि जब भी हम ईईसी के चैप्टर्स को पढ़ते हैं, ईईसी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारा एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इन दोनों चीजों को आपको दिमाग में रखना है जो कि आपको एग्जाम पेपर में जो भी आप सॉल्व करोगे उस टाइम आपको बेनिफिशियल होगा। देन हमारा सेकंड पॉइंट है ईएमएफ जनरेशन, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जनरेशन, मींस इंड्यूस जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रहा है वो। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हमारा परफॉर्म हुआ उसके कारण जो ईएमएफ हमारा जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ, उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ओके, तो यहां इंड्यूस का बेसिक मतलब क्या है, जनरेशन मींस कुछ जनरेट होना, कुछ अपडेट मींस कुछ चेंजेस के कारण जो हमारा जनरेशन होता है उसे हम इंड्यूस बोलते हैं। ओके, देन आपको ये डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का एक एग्जैक्ट आइडिया मिल गया होगा जिसमें हमने देखा कि कैसे एक पोजीशन से हमारा मैग्नेट दूसरे पोजीशन की ओर मूवमेंट कर रहा है, कैसे हमारे कंडक्टर के साइज में चेंजेस हो रहा है, कैसे हमारे बार मैग्नेट के पोल्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो हमारा बार मैग्नेट प्रेजेंट है उसमें जो ईएमएफ हमारा जनरेट हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, डायनेमिकली, मतलब कोई स्टैटिक नेचर नहीं है इसका, कोई फिक्स्ड नेचर नहीं है इसमें, जो भी ईएमएफ हमारा जनरेट हो रहा है उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है, उसके मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्ट अपोजिट है। यहां पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो हमारे कॉइल्स में जनरेट हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक, इस बार मैग्नेट में हमारे कुछ कॉइल्स हैं एन बाइंड टर्न्स जो कि हमने देखा था। मैं आपको इसका एक एग्जैक्ट ओवरव्यू देता हूं एक सिंपल डायग्राम से। हमने इससे पहले देखा था कि हमारे पास एक मैग्नेट होती थी जो कि क्या, एक क्लोज्ड लूप में होती थी। यहां पे जो भी हमारे क्वांटिटी फ्लो करते थे इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, मींस जो भी क्वांटिटी हमारे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो करता था वो हमारा फ्लक्स होता था। ओके, देन हमारे पास यहां एक एंड बाइंडिंग टर्न्स होते थे,
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको ये आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे एंड बाइंडिंग टर्म्स क्या था। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनल होते थे, ये कैसे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल देन निगेटिव टर्मिनल हमारे फ्लक्स को गेट करता है, हमारे फ्लक्स को यूज करता है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, हमारा एक बार मैग्नेट है जहां पे कुछ हमारे बाइंडिंग टर्म्स है। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो भी फ्लक्स है वो हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर मूवमेंट करता था। मीन्स हमारे पास जो बार मैग्नेट था, मीन्स यहां पे जो हमारा फ्लक्स का फ्लो था वो हमारे नॉर्थ से साउथ की ओर था। मीन्स जब भी फ्लक्स कोई डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस फ्लक्स की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, मीन्स राइट टू लेफ्ट। जहां पे हमारा एक टर्म हमारा नॉर्थ पोल होता था, सेकेंड टर्म हमारा साउथ पोल होता था। तो वैसा ही सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखने से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट प्रेजेंट है जहां पे हमने एन बाइंडिंग टर्म्स को यूज किया है, एन बाइंडिंग टर्म्स इस बार से लिपटे हुए हैं। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो भी फ्लक्स फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, क्योंकि हमने देखा था कि एक सर्किट का नेचर होता है कि जो भी क्वांटिटी उस सर्किट में हमारे फ्लो करती है वो क्लोज लूप में होना चाहिए। देन यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है उससे उसमें जो भी फ्लक्स हमारे फ्लो कर रहे हैं वो क्लोज लूप में फ्लो कर रहे हैं। देन हमारे पास कुछ क्वाइल्स हैं जो इस फ्लक्स से लिपटे हुए हैं, देन हमारा ये फ्लक्स है। ओके, देन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस जो हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसमें जो भी ईएमएफ हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा वो हमारे क्वाइल में जनरेट होगा। ओके, वहां पे क्या जनरेट होता था, चेंजेस होने के कारण जनरेट होता था, मूवमेंट के कारण जनरेट होता था। बट यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हमारे क्वाइल्स में जनरेट होगा। जब हमारे बार मैग्नेट के फ्लक्स में कुछ चेंजेस होंगे, मींस हमारा जब बार मैग्नेट में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है उस फ्लक्स में कुछ भी चेंजेस होंगे उसके कारण जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारे क्वाइल में, उसे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो इसका एक बेसिक आइडिया क्या है कि जो भी हमारे पास, जब हमारे पास एक बार मैग्नेट है उसमें कुछ फ्लक्स फ्लो कर रहे हैं तो इस फ्लक्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण जो ईएमएफ हमारे क्वाइल में इंड्यूस हो रहा है, क्वाइल में जेनरेट हो रहा है, उसे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ओके, देन यहां पे एक टर्म है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन क्वाइल, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ईएमएफ कहां जेनरेट हो रहा है, हमारे क्वाइल्स में जेनरेट हो रहा है। देन यूज्ड इन सिंगल मैग्नेट, मींस जब भी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा यूज होगा वो हमेशा हमारे सिंगल मैग्नेट में परफॉर्म होगा, मींस एक सिंगल मैग्नेट यूज होगा जहां हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क करेगा। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली हमारे टाइप्स हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, जहां पे हमारा कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहां पे एक पॉइंट देख सकते हो, नीदर क्वाइल मूवमेंट एंड नॉट मैग्नेट पोल्स मूवमेंट, मींस न हमारे क्वाइल में कुछ मूवमेंट हो रहा है न हमारे पोल्स में कुछ मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जिसे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ देन म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में एग्जैक्ट आइडिया लग गया होगा, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया कि कैसे हमारे पास टर्म्स हैं, देन हमारे पास एक बार मैग्नेट होती थी जहां पे हमारे पास दो पोल्स थे और हमारा जो भी फ्लक्स फ्लो कर रहा था वो राइट से लेफ्ट की ओर, मीन्स नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रहा था। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जो कि हमारे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेकेंड टाइप है, वो हमारा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको बताने से पहले मैं आपको इसके नाम के बारे में समझा देना चाहता हूं कि इसका नाम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों हुआ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण क्या है कि एक ऐसा ईएमएफ जो कि खुद के कारण जनरेट हो रहा है, मींस क्या, हमारे पास एक सिंगल बार मैग्नेट है और उसी में हमारा क्वाइल लिपटा हुआ है, क्वाइल को हमने बाइंड किया है, तो ये खुद के क्वाइल की वजह से, खुद के मैग्नेट की वजह से जो ईएमएफ जो फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसे हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। मींस ऐसा ईएमएफ जो कि खुद के कारण जनरेट हो रहा है, खुद के फ्लक्स के चेंजेस के कारण जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो म्यूचुअल मींस
मोर देन वन, मतलब यहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास एक सेल्फ था, मींस एक ही बार मैग्नेट था, बट यहां पे हमारे पास एक से ज्यादा बार मैग्नेट प्रेजेंट है, और सेम यहां पे भी हमारे पास दो बार मैग्नेट है, यहां पे हमारी कुछ फ्लक्स फ्लो कर रही होंगी, ओके कुछ फ्लक्स होंगी, और ये कहां है, यहां पे हमारे पास दो क्वाइल है, मींस ये बार मैग्नेट वन का क्वाइल है ए, देन ये बार मैग्नेट टू का क्वाइल है क्वाइल बी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हमारे पास दोनों क्वाइल अवेलेबल है, दोनों क्वाइल से कुछ फ्लक्स निकल रहा है, मतलब ये हमारा फ्लक्स है क्वाइल वन का, देन ये कुछ फ्लक्स है जो क्वाइल, मींस यहां पे दोनों फ्लक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस एक दूसरे को इंटरलिंक कर रहे हैं, मींस कि एक ऐसा ईएमएफ जो कि हमारे एक से ज्यादा बार मैग्नेट के फ्लक्स के इंटरैक्शन के कारण, लिंकेज के कारण जनरेट हो रहा है, उसे हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यहां पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देखते हैं। मोर देन वन मैग्नेट यूज, मींस यहां पे हमारा सिंगल मैग्नेट यूज हो रहा था, सिंगल मैग्नेट पे हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा था, बट यहां पे हमारे एक से ज्यादा मैग्नेट के अगर मींस एक से ज्यादा मैग्नेट है, हमारे पास दो मैग्नेट है जिसके इंटरलिंक के कारण हमारा फ्लक्स, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मींस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसे हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि जो भी हमारा ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारे क्वाइल टू में जनरेट होगा, मींस क्वाइल बी में जनरेट होगा, मींस जब हमारे पास दो मैग्नेट है, जब दोनों ने एक दूसरे को इंटरलिंक किया, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो उसके कारण जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो हमारे क्वाइल बी में जनरेट होगा, मींस ये जो ईएमएफ हमारा जनरेट होगा वो क्वाइल बी में जनरेट होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि कैसे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। ईएमएफ बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसे जो एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हमारे फ्लक्स को हमारे सर्किट में फ्लो करने में हेल्प करती है, और वो सर्किट का जो टाइप होगा वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, मींस वो जो सर्किट क्रिएट होगा हमारा इलेक्ट्रिक मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थे जो कि आपके ईएमएफ के टाइप्स हैं। इसके बाद के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखेंगे, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफरेंट डिफरेंट लॉ क्या है, कैसे वो इंडक्शन क्रिएट हो रहा है। तो उसके बारे में हम फैराडे लॉ देखेंगे, लेंज लॉ देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उस वीडियो को आप मिस ना कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए कि वो लॉ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट को लॉज में बहुत डिफिकल्टी होती है, लॉज के बारे में उन्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, होप करता हूं कि आपको जितना ये कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में बताया वो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, देन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट्स, मींस कि आपके एग्जाम में लिखना क्या है, यहां पे आपने वर्किंग को समझ लिया, देन उसके बारे में डेफिनेशन, एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल, ये सभी चीजें आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जहां पे आप जाके फर्स्ट ईयर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और उसके बारे में आपको एग्जैक्ट ओवरव्यू और आइडिया लेना है और स्टडी मटेरियल्स आपको लेना है, देन आप उस टाइम जाके योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पे जाके आपको नोट्स के सेक्शन में ईईसी के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पे आप जाके उस नोट्स को डाउनलोड करके जो भी कंटेंट हमारा जो वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सभी कंटेंट के रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको इसके नेक्स्ट प्रीवियस जो भी इसके बाद का लेक्चर है वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।